आपका यूट्यूब चैनल आईडिया टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सीखेंगे कॉम्बिनेशन सेट के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कॉम्बिनेशन सेट की डेफिनेशन। कॉम्बिनेशन सेट एक प्रकार का एंगुलर एंड चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसका प्रयोग किसी भी जॉब का एंगल को चेक करने के लिए या कोई भी गोलाकार जॉब है उसका सेंटर निकालने के लिए या किसी भी जॉब के ऊपर मार्किंग करने के लिए या फिर किसी भी जॉब की गहराई यानी डेप्थ को चेक करने के लिए कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, नाम से प्रतीत होता है कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन जो सेट है ये चार भागों को मिलकर बनाए गए हैं। इसके चार जो भाग हैं वो कौन कौन से हैं, तो नंबर फर्स्ट पे देखिए, इसको हम बोलते हैं ब्लेड या फिर इसको हम रूल भी बोलते हैं। सेकंड जो पार्ट जो है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्क्वेयर हेड। और नंबर थ्री पे जो पार्ट जो रखा हुआ है इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टर हेड। और नंबर फोर पे जो पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं सेंटर हेड। तो देखिए, चार जो पार्ट हैं अगर इनको एक साथ जोड़ दिया जाए तो ये आपका बन जाता है कॉम्बिनेशन सेट। सबसे पहले हम जानते हैं फर्स्ट जो भाग है इसको हम बोलते हैं ब्लेड या फिर रूल। ये सामान्य जो रूल जो होते हैं उससे थोड़ा सा अलग है। तो अलग क्या है, देखिए ग्रेजुएशन तो सेम है, ठीक है ना। ये 12 इंच का है यानी 30 सेंटीमीटर यानी 300 mm की लंबाई का ये एक आपका रूल है, ठीक है ना। लेकिन सामान्य जो आपके जो रूल होते हैं उनकी मोटाई जो होती है वो बिल्कुल ही कम होती है, लेकिन इसकी जो मोटाई है वो ज्यादा है। उसके बाद में बैक साइड में देखिए, इसके बीच में देखिए एक कीवे कटा हुआ है, ठीक है ना। कीवे कटा हुआ है यानी एक तरह की झीरी कटी हुई है। इसी झीरी के ऊपर ही आपके जो तीन प्रकार के जो हेड मैंने बताए हैं, जो कि स्क्वेयर हेड, प्रोटेक्टर हेड और सेंटर हेड, इसके ऊपर लगाकर ही इनका प्रयोग किया जाता है। जो आपका ब्लेड यानी ये जो रूल है यह हमेशा हाई कार्बन स्टील या फिर अलॉय स्टील को बनाया जाता है और इसकी जो पूरी जो बॉडी है उसको हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है। तो आइए जानते हैं अब सेकंड पार्ट कॉम्बिनेशन सेट का। इसको हम बोलते हैं स्क्वेयर हेड। स्क्वेयर हेड के द्वारा 90 डिग्री और 45 डिग्री का जो है एंगल को चेक करने के लिए स्क्वेयर हेड का प्रयोग किया जाता है। इस साइड से हम मापते हैं आपका 90 डिग्री का एंगल और इस साइड से मापते हैं 45 यानी 45 डिग्री का एंगल। इसकी जो पूरी जो बॉडी है ये कास्ट स्टील की बनी होती है और जो स्क्वेयर हेड है इसके ऊपर ये ऊपर की तरफ देखिए यहाँ पे जो लगा हुआ है इसको हम बोलते हैं सक्राइबर। सक्राइबर का प्रयोग किसी भी जॉब के ऊपर लाइन लगाने के लिए सक्राइबर का प्रयोग किया जाता है। और इसकी बॉडी के अंदर देखिए यहाँ पे एक सेपरेट लेवल भी लगा हुआ है, ठीक है ना। तो देख सकते हो यहाँ पे, ये देखिए बबल यहाँ पे घूम रहा है। तो सेपरेट लेवल का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, किसी भी कोई भी मशीन हो या फिर कोई जॉब हो उसकी समतलता को चेक करने के लिए सेपरेट लेवल का प्रयोग किया जाता है। तो आइए इसके अंदर लगाते हैं ब्लेड। तो देखिए ये जो ब्लेड जो है आपका, ये जो ब्लेड है कहाँ पे लगाएंगे, तो देखिए ये जो है आपका जो नट जो लगा हुआ है, एडजस्टिंग जो नट है यहाँ पे, या इस ब्लेड को क्लैंप करेगा ये। तो देखिए ऊपर की तरफ हम देखते हैं तो थोड़ा सा ऐसे आप घुमा सकते हो, तो अंदर जो है इस तरीके से आपको लगाना है। देखिए किस साइड से लगाएंगे, इस साइड से लगाना है जिस साइड के अंदर वन लिखा हुआ है। तो ऐसे आपको करना है और हल्के हाथ से प्रेस करते हुए, थोड़ा सा और कर लेते हैं। तो देखिए ये मैंने डाल दिया है और इससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी किसी तरीके की अगर जॉब है वो 90 डिग्री पे चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये एंगल जो बना है आपका 90 डिग्री है। तो ये देखिए जॉब है, ऐसे हम चेक कर सकते हैं। किसी भी जॉब के ऊपर की जो समतलता है उसको भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो एंगल जो बना हुआ है ये बना हुआ आपका 45 डिग्री का एंगल। दो ही एंगल चेक कर सकते हैं स्क्वेयर हेड से। कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि स्क्वेयर हेड से है वो कौन कौन से एंगल चेक कर सकते हैं, एक तो 90 डिग्री का एंगल चेक कर सकते हैं, दूसरा कौन सा 45 डिग्री का एंगल। इसके द्वारा किसी जॉब की गहराई को भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे मैं कर लेता हूँ ये वाला, ठीक है। तो ये जॉब मैंने ली हुई है प्रैक्टिकल आपको दिखाने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए सरफेस प्लेट या कोई भी समतल जगह पे आपको रखकर इस तरीके से आपको लगाना है। और यहाँ पे क्लैंपिंग है, मैं इसका थोड़ा लूज कर देता हूँ और इस तरीके से आपको ये लगाना है। तो देखिए ऐसे, अब इसकी पढ़ लेते हैं भी गहराई कितनी दी हुई है। तो देखिए जो एग्जैक्ट जो है इसकी जो गहराई है, तो देख सकते हो आपको इसकी जो गहराई है वो है 49, ठीक है ना। तो लगभग मैंने ये जो इसकी गहराई जो जब ये जॉब हमने रेडी की थी तो मैंने इसकी गहराई रखी थी 50 mm की, ठीक है ना। तो ऐसे आप किसी भी जॉब की जो गहराई है वो भी चेक कर सकते हो। तो आइए अब चलते हैं जो सेकेंड जो पार्ट जो है आपका प्रोटेक्टर हेड।
वो लगाएंगे इसके अंदर ब्लेड। देखिए ये आपका प्रोटेक्टर हेड, प्रोटेक्टर हेड के द्वारा 0 से लेके 360 डिग्री का एंगल है, इसके द्वारा चेक कर सकते हैं। इसकी जो बॉडी है वो किस चीज़ की बनी हुई है, कास्ट स्टील की बनी हुई है। तो देखिए मेन जो पार्ट जो कौन सा है, इसके बीच का जो अंदर का है, इसको हम डायल बोलते हैं। इस डायल के ऊपर देखेंगे 180 डिग्री इधर और 180 दूसरी साइड के अंदर जो डिग्री के जो निशान है वो लगे हुए हैं। और ये जो क्या है, ये इसको नोब बोलते हैं, नोब भी बोल सकते हैं, और क्लैंपिंग यहाँ पे इसको नट भी बोल सकते हैं। रीडिंग को लॉक करने के लिए पीछे की तरफ देखिए, यहाँ पे दो यहाँ पे लॉकिंग यहाँ पे लगे हुए, यानी स्क्रू लगे हुए हैं, और इसके ऊपर भी एक शिफ्ट लेवल दिया हुआ है, देख सकते हो आप। शिफ्ट लेवल का प्रयोग ये देखते हैं समतल है या नहीं है बिल्कुल। तो देखिए थोड़ा सा ये समतल नहीं है, क्योंकि इस साइड से ये क्या है, डाउन है। तो थोड़ा सा इसको इस साइड से उठाते हैं, तो देखिए वो देखिए यहाँ पे बबल, वो देखिए बीच में आ गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये सीक्रेट लेवल का प्रयोग कर सकते हो। तो देखिए ये जो आपका प्रोटेक्टर हेड है, इसके अंदर ब्लेड लगाते हैं। सबसे पहले देखिए अंदर का जो डायल है, इसको आपको ऊपर की तरफ करना है ऐसे, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में आपको करना है, कर लिया। अब ये जो ब्लेड है, तो अंदर का जो पिन जो है इसके अंदर से देखना है आपको। तो देखिए बिल्कुल जो आपको दिखाई दे रही है, और इसके अंदर भी एक झीरी कटी हुई है, दोनों को मैच करना है। तो देखिए इस तरीके से, ठीक है, और फिर हल्का हल्का फिर टाइट करना है आपको। देखिए अंदर ऐसे जाएगा ये, ऐसे यहाँ पे टाइट करना है। फिर देखिए ये जो झीरी है, इसके अंदर ऐसे घुमाना है आपको, घूम गया ना। अब आपको फिर क्या करना, हल्का सा लूज करना है इसको, ये देखिए ये जो एंगल जो है, ये आपका 90 डिग्री का यहाँ पे बन गया है। और अब इसकी ग्रेजुएशन आपको दिखाते हैं भी कैसे कैसे हैं। तो देखिए ये जो है, इसके ऊपर जो ग्रेजुएशन की यहाँ पे एक जीरो है, ये जीरो आपको देखनी है। और देखिए ये जो है 90 लिखा हुआ, तो ये इस अगर दोनों की लाइन जो है बिल्कुल पैरेलल कर देता हूँ, मिला देता हूँ, तो देखिए ये जो एंगल जो आपका बन चुका है 90 डिग्री का, ठीक है ना, ये वाला जो एंगल है। तो देख सकते हो यहाँ पे जीरो कहाँ पे है, जीरो ये है, और ये 90 है, और ये वाली जीरो है, ऐसे मिल गई है। तो ये जो एंगल कितने का बना है, 90 डिग्री है। इसके अंदर भी हम 90 डिग्री की जॉब ऐसे लगा कर है वो चेक कर सकते हैं, या फिर किसी भी जॉब की समतलता है उसको भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए ये जो लिखा हुआ है आपका 90, तो मैं अंदर की तरफ इसको थोड़ा करूँगा। तो देखिए ये जो है कितने का बन गया है, 80 डिग्री का एंगल बन गया है। तो देखिए यहाँ पे, और अब चलते हैं सीधा 60 की तरफ। तो देखिए यहाँ पे 60 लिखा हुआ है, और बैक साइड में 120 लिखा हुआ है। तो ये जो एंगल है कितने डिग्री का बन गया है, ये वाला, ये आपका बन गया है 120 डिग्री। बिल्कुल ऊपर वाला जो देखोगे तो वो जो इस साइड के एंगल बनेगा, अगर नीचे वाला अगर देखोगे इस साइड से, मेरी तरफ से ऊपर मान रहा हूँ ये वाला, ठीक है, और अगर ये नीचे की तरफ अंदर की तरफ अगर देखोगे तो ये वाला एंगल बनेगा, ठीक है ना। तो ऐसे चेक कर सकते हो। तो मैंने एक तरह का नट लिया हुआ है, इसका एंगल देखते हैं यहाँ पे कितने डिग्री का है। ये देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल जो एंगल जो है बन गया है आपका, ये एंगल बना है आपका यहाँ पे 120 डिग्री का, ठीक है ना। तो देखिए ऐसे ऐसे ये चेक करना होता है, ठीक है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। अब इसको निकाल देते हैं ऐसे ऐसे। तो आइए अब चलते हैं, आपका ये रहेगा नेक्स्ट जो भाग है, अगला जो 4 नंबर पे, इसको बोलते हैं सेंटर हेड, ठीक है ना। इसकी जो बॉडी है कास्ट स्टील की बनी हुई है, इसका प्रयोग स्पेशल कोई भी गोलाकार जॉब है ना, उसका सेंटर को निकालने के लिए आपका ये प्रयोग किया जाता है, सेंटर हेड। तो इसमें ब्लेड कैसे लगाया जाता है, बिल्कुल ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। तो देखिए इसकी जो नोब है, इसको मैं घुमा देता हूँ बिल्कुल, और ऐसे आपको करना है, ये देखिए बिल्कुल, ठीक है ना। इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो देखिए ये जो है आपका, मैंने कोई भी एक गियर लिया हुआ है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो देखिए ये वाला, देखिए ऐसे लगाना होता है। देखिए एक बेस यहाँ पे लग गया आपका, दूसरा यहाँ से लग गया है, तो मार्किंग कर सकते हैं। तो आपका जो मैंने ये बताया था, इसके अंदर एक सक्राइबर होता है, तो ये स्पेशल लाइन लगाने के लिए है। तो देखिए बिल्कुल आपको सटा कर इसको लगाना है, और ऐसे आप मार्किंग कर सकते हैं इसके ऊपर,
ठीक है ना। तो देखिए ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हो लाइन लग गई है, ठीक है ना। अब आपको क्या काम करना है, दूसरी साइड के अंदर बिल्कुल इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम से जो क्या आपका जो है एंगल निकल जाता है, तो देखिए इसके अंदर जो लाइन जो वर्क है ये देखिए यहाँ से बिल्कुल सेंटर में ये लाइन लग गई है। तो देखिए किसी भी गोलाकार जॉब का सेंटर निकालना कितना मुश्किल होता है, लेकिन जो आपका सेंटर है ना इससे जो एंगल है बहुत ही जल्दी निकलता है। तो प्रिय विद्यार्थियों सारे जो पार्ट जो हैं वो मैंने अलग अलग करके आपको बता दिए भी इसका प्रयोग है वो कैसे किया जाता है। फिर भी कॉम्बिनेशन सेट से संबंधित अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे अवश्य कमेंट कर सकते हो। आशा करता हूँ कि ये वीडियो और ये टॉपिक आपको जरूर पसंद आएगा। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो एक नए टॉपिक का, तब तक आपको जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।